हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं अपना बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सेटअप अभी थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो एक भाई ने मुझसे पूछा ग्रेविटी सेंसर मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसी पे बताना चाहता हूँ भाई। ग्रेविटी सेंसर देखिए ऑटो रोटेशन होता है जो, उसको आप ऑन ऑफ कर लीजिए, और उसको करने से अगर आपका भी ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक डिस्प्ले पे एक सेटिंग दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ कर इसी तरह से आप अपने फ़ोन पे प्रोसेस करिए, तो हालांकि आपका इस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या रियलमी के सभी डिवाइसों में ये प्रॉब्लम आती है? इससे सभी लोग परेशान हैं, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स में जो दिखा रहा हूँ इस सेटिंग को आप पढ़ के आप इस पर इस सेटिंग को करिए, इससे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट मार के देख लीजिए। अगर आप फॉर्मेट मार लेंगे, फॉर्मेट मारने से भी आपका ये काम करना शुरू कर देगा। और रही फिंगरप्रिंट की बात दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिंगरप्रिंट को आप अच्छे से साफ करके पीछे से उसका इस्तेमाल करें, उसको दिन में 2-3 बार साफ करें तो उससे अच्छे से काम करता है। अगर नहीं करता हो तो सेटिंग में जाके उसको रिसेट करके, रिसेट करने के बाद उसको आप अपने फिंगर को दोबारा उस पर लगाएं। ये प्रोसेस आपको 10 से 15 दिन में हमेशा करनी चाहिए कि इसको रिसेट करके आपको न्यू फिंगर हेड करना चाहिए अपना। उससे होता क्या है कि जो फिंगर पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चलता है या फिर कुछ हो जाता है वहाँ पर भी, आपके यहाँ पर भी, तो उससे भी वो काम नहीं करता। तो आप इसको ध्यान रखिए, और आपका ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होती अगर सेटिंग से, तो आप अपने फ़ोन को एक फॉर्मेट मान लीजिए। होता क्या, देखिए आप वीडियो देखते होंगे ऑटो रोटेट नहीं होता होगा फ़ोन, तो इसको छू के कर दोगे ये फिर आपका वापस हो जाता होगा, ये किधर भी घूम जाता होगा, यही होता होगा ना। रियल मी के डिवाइस पे ये प्रॉब्लम है मैं मान रहा हूँ। तो आप इसको ऐसी करके वीडियो पे देख के या सेटिंग पे समझ के आप कर सकते हैं, नहीं आपको फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा अपने फ़ोन को। हालांकि फॉर्मेट आप मार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।